तो ये है हमारा जहाँ हमें फाउंटेन बनाना है मिनी ज़ू के अंदर में। तो यहाँ बहुत सारा अभी लकड़ियाँ वगैरह रखी है, इसको भी हम हटा देंगे जब हमारा काम चालू होगा। तो लेकिन अभी जो हमने बहुत सारी साफ़ सफाई कर लिया, बहुत सारा कचड़ा रखा था जो हमने साफ़ करके इसको जला लिया है, तो अभी बहुत सारी जगह हमारी साफ़ हो चुकी है। बस इस कोने की जो है लकड़ियाँ वगैरह वो भी हम किसी को दे देंगे जलाने के लिए। और जो जैसा कि आपको पता है हम कल हमने जो है हमारे डक का जो है टाका साफ़ किया था, लेकिन वो साफ़ करते करते हमें शाम हो गई थी रात, तो हमने इनको नहीं डाला था। तो आज हम डालेंगे इनको, छोड़ते से ये जैसा नाली में सब आ चुके हैं तो अभी इनको हम उधर छोड़ेंगे। चलो चलो चलो, तो ये नालियों में ही आते हैं ज़्यादा, तो हम इनको उधर लेके जा रहे हैं। चलो 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 चलो, हुश हुश हुश। तो ये बहुत बहुत सताते हैं, तो इनको बिल्ली वगैरह से भी बचाना होता है, इसलिए अभी हम जो इनको बंद करके ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं खोलते। जब हमारा पूरा काम हो जाएगा, फाउंटेन उस टाइम में बड़ा बना लेंगे ये, तब तक ये भी काफ़ी बड़े हो जाएंगे, तो हम इनको फिर खुला ही रखेंगे। अभी तो हम इनको बंद करके रखते हैं, थोड़ा बहुत इनको टाके में छोड़ देते। चलो हमने तुम्हारे लिए इतना साफ़ किया, तो ये देखो कैसे स्पीड में जा रही है। अब इसमें मस्त तैर के ये पानी वगैरह पीते और इसमें ही खेलेंगे अभी। तो अब इनको हम छोड़ देते हैं, जब तक हम देखते हैं हमारे जो है इनको जो मुर्गियाँ वगैरह है उनको दाना पानी डाल देते हैं। फिर हमें जाना है हमारे दोस्त के यहाँ पर भी फार्म पे विज़िट करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, आज जो हमारा ब्लॉग है वो है हमने जो हमारा मिनी ब्लॉग का जो हम बनाने वाले हैं, बाकी कुछ साफ़ सफाई हमने जो अभी कर ली है तो वो भी हम बताएंगे आपको। और जो हमारे दोस्त के फार्म पे भी हमें जाना है, आज विजिट करना है, कि उनका जो एक फ्री रेंज का पोल्ट्री फार्म है, काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा है, कम लो बजट में उन्होंने जो है पोल्ट्री फार्म बनाया है, तो उसके पे हम विज़िट करेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से वो जो फार्मिंग करते हैं। चलिए चलते हैं। आज का जो मौसम है वो भी बड़ा प्यारा है, लगता है आज बारिश होंगी, लग तो रहा बारिश होने की। तो चलिए हम जल्दी से पहुंचते हैं फार्म पे और देखते, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी बादल भी बहुत सारे अभी छा चुके हैं और अंधेरा सा भी हो चुका है, तो पानी हवा वगैरह चल रही है ठंडी ठंडी, देखते हैं पानी वगैरह आता है या नहीं। तो चलिए हम चलते हैं स्पीड में ताकि पानी ना आए। पानी तो आना है ऐसा लग रहा है, थोड़े थोड़े आ रहे हैं, देखिए बादल देख सकते हैं। तो भी हम अभी आ चुके, जैसा कि आपको देख रहे पीला पीला जो तीनों का एरिया है, तो वही हमारे जो है अकील चचा है, चाचा उनका फार्म है, उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है बनाया है पूरा टीनों से घेर के और ऊपर जाली वगैरह मारकर जो है फ्री रेंज में जो है मुर्गियां पाल रहे हैं। तो इनके पास में बटेर और टर्की के भी बच्चे हैं, बटेर भी है और जो बड़े वाले सोनाली के बच्चे हैं चिक्स, वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से भी ले सकते हैं। तो इनका जो फार्म है यवतमाल के अंदर में जो है घाटनजी बाईपास पे इनका जो फार्म है, जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा है, इन्होंने पूरा मुर्गा जाली से बनाकर और लो बजट में जो इन्होंने पूरा शेड बनाया है। तो काफ़ी अभी बारिश तो चालू हो चुकी है, आवाज़ भी सुन सकते हैं, काफ़ी स्पीड में बारिश आ रही है, हम जल्दी से अंदर चले जाते हैं। देखिए तो बारिश की वजह से मुर्गियाँ देखते आप कैसा भाग रहे इधर उधर, बहुत स्पीड में बारिश आ रही है, आप देख सकते हैं, आपको कैमरे में तो नज़र नहीं आएगा लेकिन उसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। तो अभी हम उनको अंदर डालते हैं ताकि बारिश की वजह से भीड़ में जाएगी, जैसे जो तो जा रहे हैं सब अंदर। खोल देते ना, कुश 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 कुश। उधर से हटा लो, मैं हटा दे देता हूँ। तो इस तरीके से इनका जो है बल्लियों के अंदर में और ऊपर टट्टे डालकर उसके ऊपर इन्होंने जो है टाट पट्टी डाल दी ताकि
पानी और धूप वगैरह से बचाव हो सके। तो बहुत सारी मुर्गियाँ इसके नीचे भी बैठी है पानी की वजह से। अभी पानी तो जो है हमारा कम हो चुका है, अभी बंद हो जाएगा इंशाल्लाह अगर, तो देख रहे हैं अब पानी जैसा ही कम हुआ सारी मुर्गियाँ वापस से बाहर आने लगी है। तो ये अभी पूरी मुर्गियाँ जो है फिर से बाहर वापस आ जाएंगी। तो इनका जो शेड है वो काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया है लो बजट में, जैसा कि आप अंदर से मैं बताता हूँ। तो देख सकते हैं आप इन्होंने ऊपर जो है टट्टे लगाए हैं बांस से बल्लियों के ऊपर में, और बांस से टट्टे हैं, टट्टे के ऊपर में इन्होंने जो है सात पत्ती जो पीली पन्नी आती है वो बांध दी है। तो इसके अंदर भी उनके गौरानी कुछ बच्चे रखे हैं ओरिजिनल गौरानी जो अभी छोटे हैं, इसलिए उनको अभी फ्री रेंज में नहीं छोड़ा है। और इस साइड में भी जो है इनके पूरे मुर्गे आप देख रहे कैसे चल रही है, ये इस तरीके से इन्होंने जो है मच्छर जाली, इसको नायलॉन की जाली बोलते हैं जो लगाए हैं इन्होंने। और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है, काफ़ी अच्छी है, और इससे बहुत सारा बेनिफिट हो जाता है मुर्गियों को, क्योंकि जैसा कि आपको पता है मुर्गियाँ बहुत उड़ती है, तो ये इससे इधर उधर नहीं भागती मुर्गियाँ, इसलिए इन्होंने लगाया है। और ये फ्री रेंज में पोल्ट्री फार्म करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसा कि आपको पता है अगर हम फ्री रेंज में पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो सबसे बड़ा जो हमें फ़ायदा होता है वो फीड कॉस्ट का होता है, यानी कि फीड जो हमारा लगता है वो आधा हो जाता है। तो उससे हमें बहुत सारे जो बचत है वो हो जाती है, क्योंकि पोल्ट्री फार्म के अंदर में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे लागत लगती है यानी पैसा लगता है हमारा, तो वो होता है मुर्गियों के दाने के ऊपर में। तो फ्री रेंज में पोल्ट्री फार्मिंग करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मुर्गियाँ भी हेल्दी रहती है और उनके फर वगैरह शाइनिंग रहते हैं, बीमारियों से बचाव होता है। फीड कॉस्ट जो है सबसे बड़ा मसला होता है हमारे पोल्ट्री फार्मर भाइयों के लिए या फिर जो मुर्गियाँ पालते हैं उनके लिए, तो वो एकदम आधा हो जाता है। तो इन्होंने जो है बहुत कम लागत में जो है ये फार्म बनाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर टट्टे वगैरह, नीचे इन्होंने बांस से बांध ली है, ऊपर में इन्होंने टट्टे डालकर उसके ऊपर में तार पतली जैसा पन्नी होती है वो डाल दी है। तो ऐसा इन्होंने जो है कम बजट में लो बजट के अंदर में फार्म बनाया है। तो आगे हम इनसे जानेंगे इसको कितना खर्चा वगैरह आया है, कि कहाँ इनको कितना पैसा लगा है, वो सारी चीज़ें हम अगले नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो इनके पास में है ये अभी यहाँ से मुर्गियाँ भी सेल वगैरह करते हैं बड़ी वाली, और बटेर भी इनके पास में है, टर्की के भी है इनके पास में चिक्स। तो ये चाचा को जो है बहुत शौक है, तो इनके पास में सब चीज़ें बकरी मुर्गी बटेर टर्की वगैरह सब कुछ है। तो ये अभी इनको देखो खाना खा रहे हैं, जैसे ये पूरे एक जगह जमा हो जा रहे, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हेल्दी एक्टिव है। तो फ्री रेंज में फार्मिंग करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसके ऊपर हम स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे क्या क्या फ़ायदे। तो चलते हैं अभी हम घर की तरफ, काफ़ी टाइम हो गया और मौसम भी जो है बिगड़ रहा है। चलिए दोस्तों हम अभी अब घर पे आ चुके हैं, और हम भी जो अभी हमारे मुर्गियों का बहुत सारा काम बाकी है वो फिनिश करते हैं। तो इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमारे ब्लॉग पर डेली मिलते रहेंगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज हमने जो हमारे मिनी डक का जो हम जहाँ फाउंटेन बना दे वो उस सारी जगह को हमने आपको बता चुके कहाँ बनाने वाले, उसको साफ भी हमने कर चुके, बहुत सारा कचरा वगैरह था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कल देखते हैं क्या करना है। तो चलिए मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।